हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ MAHBE BTEC CET के बारे में। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है अलग अलग कोर्सेज के लिए, तो आपको किस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आए तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाए। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि फायरफॉक्स, मोज़िला या फिर एज। देन आपको उसमें टाइप करना है MAHBE BTEC CET 2023 एस पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है, यहाँ से आपको MAHBE BTEC से रिलेटेड आपको सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगी। देन यहाँ पर जो दिया गया है MAHBE BTEC 2023 रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड डेट्स एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन प्रोसेस। देन यहाँ पे इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 8 मार्च को स्टार्ट हो चुका था एंड इसका एग्ज़ाम जो है वो 9th to 13th May तक इसका एग्ज़ाम होगा। देन यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है महाराष्ट्र स्टेट, यहाँ पे जाकर स्टेट कॉमन एंट्रेंस, सॉरी स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे दिया गया है CET का फुल फॉर्म। देन यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म आएगा जिसमें आपको अपना फुल नेम डालना है, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाई क्वालिफिकेशन। देन आपको गेट फी काउंसलिंग में क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा, आपके ईमेल आईडी एंड आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको इस यूनिवर्सिटी से सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगी। देन यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है कि सो जो एप्लीकेशन फॉर्म में स्टार्ट हो चुका है, क्लिक और चेक द एप्लीकेशन डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में दिया गया है। देन यहाँ पे क्लिक हियर टू रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे एंड देन यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होता है। देन यहाँ पे आपको आई एक्सेप्टिंग प्रोसेस पे आपको क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे आपको जो 10th and 12th में जैसे आपको मार्कशीट पे नेम था आपको उसे डालना है नेम। देन यहाँ पे आपको अपने फादर का नेम डालना है, मदर नेम डालना है, जेंडर से डालना है यहाँ पे आपको अपना। देन यहाँ पे कन्फर्म जो जेंडर आपको अपना जेंडर कन्फर्म करना है। देन यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे अपना। देन यहाँ पे कन्फर्म करेंगे। देन यहाँ पे रिलेशन बतानी है आप कौन से रिलेशन से बिलोंग करते हैं एंड देन यहाँ पे आपको जो है बताना होता है कि आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, अर्बन एरिया से फिर रूरल एरिया से। देन यहाँ पे आपको जो है अपना एनुअल इनकम बतानी होती है, कितना आपके एनुअल इनकम आती है एंड देन आपको जो है मदर टंग बतानी है। देन यहाँ पे नेशनलिटी बताएंगे आप अपनी एंड देन आपको जो है यहाँ पे आपको अपना एड्रेस बताना है, एड्रेस लाइन 1, 2, 3। देन यहाँ पे आप अपने स्टेट बताना है, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे। देन आपको यहाँ पे पिन कोड डालना है। देन यहाँ पे अगर आपको परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है। देन यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है 8 to 13 कैरेक्टर्स के अंडर में। आप अपर लोअर कैरेक्टर जो आपका पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको कंफर्म करना है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पिन टाइप करके। आपको सेवन प्रोसेस पे आपको क्लिक करना होता है। देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे, वहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन फ़ीस देना होता है। आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, UPI। तो इस तरह से आपको अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।